किसान मित्रों नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। स्वागत है हमारे YouTube चैनल देहाती किसान साथी में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे गेहूं में बोरान का स्प्रे कब करना चाहिए, बोरान गेहूं में डालने से क्या फ़ायदा मिलता है, बोरान डालने का सही समय क्या होता है। अगर किसान भाइयों गेहूं में दूसरा पानी लगा दिए हैं उसके बाद कौन से दवा का स्प्रे करना चाहिए जिससे हमारी फसल अच्छे से ग्रोथ करे, अच्छे से वहाँ पर बालियाँ निकलें, अच्छी से जो बालियाँ निकलेंगी उसमें दानों का भराव भी अच्छे से हो। तो किसान भाइयों बात करेंगे जो बोरान हमारी जो होता है सूक्ष्म पोषक तत्व वाली खाद होती है इसका। किसान भाइयों जब गेहूं की फसल हमारी लगभग 50 से 60 या 70 दिन के आसपास हो चुकी होती है तो वहाँ पर तने में बालियां बनना शुरू हो चुकी होती हैं, यानी गबोट अवस्था प्रारंभ हो चुकी होती है। जब हमारी गेहूं की फसल में दूसरा पानी लगाते हैं तो तने में बालियां बनना शुरू हो चुकी होती हैं, लेकिन जब वहां पर कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की स्प्रे कर देते हैं यानी प्रयोग कर देते हैं तो जो बालियाँ बनेंगी अच्छे से बनेंगी, लंबी बनेंगी, मोटी बनेंगी और जो दानों का भराव होगा वो भी अच्छे से होगा। किसान भाइयों क्या होता है, कभी कभी कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है जिससे बालियों में दाना अच्छे से नहीं बन पाता है, पिचका हुआ रह जाता है और लास्ट में हमको पैदावार भी ज़्यादा नहीं मिल पाती है। तो किसान भाइयों जब हमारी फसल में बालियां निकलने की स्टेज आ चुकी होती है उस समय किसान भाइयों अगर बोरान 20% वाला आप स्प्रे कर देते हैं तो किसान भाइयों गेहूँ से आप बम्फर पैदावार ले पाएंगे। अगर डोज की बात करें तो जो बोरान है हमारा 100 ग्राम से लेकर के 125 या 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करते समय किसान भाइयों 150 से 200 लीटर पानी का यूज करना होता है और किसान भाइयों खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए क्योंकि किसान भाइयों बालियां निकलने का समय होता है। अगर उस समय आप खेत में नमी मेंटेन बनाकर रख लेते हैं तो आपकी गेहूँ में जो बालियाँ बनेंगी, जो दाना वहाँ पर बनेगा, मोटा बनेगा, लंबा बनेगा और जो वजनदार बनेगा, लास्ट में आपको पैदावार भी अच्छी मिलेंगी। जब बालियां लंबी होंगी, मोटी होंगी, दाना वजनदार बनेगा तो हमको पैदावार भी किसान भाइयों अच्छे से मिलेगा। किसान भाइयों अगर बालियां निकलने का समय जब होता है उस समय खेत में आपको पर्याप्त नमी बनाए रखना होता है। अगर नमी नहीं है तो आप किसान भाइयों वहाँ पर दवा का स्प्रे ना करें, पहले सिंचाई कर दें या पहले दवा का स्प्रे कर दें इसके बाद सिंचाई कर दें, तो नमी आपको वहाँ पर मेंटेन बनाकर रखनी होती है। इस समय किसान भाइयों गेहूं की फसल में दूसरा पानी लगा होंगे, दूसरा पानी लगाते समय किसान भाइयों कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिससे वहाँ पर हमारी फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रही होती है। तो स्प्रे के माध्यम से आप NPK खाद आती हैं, NPK 0-52-34 का स्प्रे कर सकते हैं क्योंकि इस समय जो हमारी फास्फोरस होती है पौधों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि पौधे में जड़ों का विकास हो रहा होता है। जब मिट्टी में अच्छे से जड़ों का विकास होगा तो वहाँ पर फास्फोरस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, उस समय किसान भाइयों NPK 0-52-34 का स्प्रे कर सकते हैं जिससे आपकी गेहूँ की फसल अच्छे से ग्रोथ करेगी, अच्छे से वहाँ पर ट्रेलिंग होगी। जब अच्छे से ट्रेलिंग होगी तभी किसान भाइयों वहाँ पर जो बालियाँ आएंगी लंबी आएंगी, मोटी आएंगी और शानदार तरीके से आपको उत्पादन भी मिलेगा। तो उम्मीद करें किसान भाइयों जानकारी आपको पसंद आई होगी, पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल कर लीजिए जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।